आखिरकार साड़ी पर का फोटो जो गाना डिलीट हुआ था वो वापस आ गया। जी हाँ, आप जाइए और इस गाने को जल्द से जल्द फिर से देख लीजिए। जी हाँ, हमने तो आपको कल ही बताया था कि विद इन 24 आवर्स में ये गाना वो आपके समक्ष आ जाएगा। इस पे खुशी जाहिर करते हुए पवन सिंह के फैंस बड़े ही खुश नजर आए और सभी ने धड़ाधड़ कई कमेंट कर डाले और कहा कि अब इस गाने को सबसे सुपर हिट बनाना है। वैसे ये दम भाई पवन सिंह ही रख सकते हैं कि अपने गए हुए गाने को वापस लाने का। इससे पहले कई लोगों ने ऐसी कोशिश की थी, जैसे लाइक खेसारी लाल यादव, जब भी उनका गाना टेक डाउन नोटिस के तहत हटा है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन पवन सिंह की बात करें तो ये पहली बार उनके साथ हुआ और पहली बार जब हुआ तो पवन सिंह ने इसे बहुत ही सीरियस ले लिया, क्योंकि पवन सिंह पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगता। पवन सिंह जब भी कोई गाना गाते हैं तो उसे मेक श्योर करना पसंद करते हैं कि इससे पहले किसी और ने तो नहीं गाया है। अगर किसी ने पवन सिंह के साथ ऐसी धोखाधड़ी की है तो पवन सिंह उसकी बैंड बजाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसा कई बार देखा गया है कि पवन सिंह पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो पवन सिंह के कुछ लोग हैं जो इस आरोपों को पूरी तरह से खंडन करते हुए भी नजर आते हैं। अभी कुछ रोज पहले पवन सिंह पर यह आरोप लगा था कि पवन सिंह ने एक गाना चोरी का गाया है, लेकिन उसका भी खंडन बाद में कर दिया गया। जिस गीतकार ने ये क्लेम लगाया था कि पवन सिंह ने चोरी का गाना गाया है, बाद में उसे ही गलत साबित किया गया। खैर, वैसे भी पवन सिंह हमेशा क्लियर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस बार भी पवन सिंह ने अपने फैंस को बहुत बड़ी सौगात दी है और ये गाना दो दिन में 2.2 मिलियन पहुंच गया है। वैसे भी ये गाना और आगे जाता अगर ये गाना डिलीट ना हुआ होता। पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर इसका ऑडियो जो रिलीज़ हुआ है वो इसी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है, म्यूज़िक विंड पर, तो फिर इसका वीडियो रिलीज़ भी इसी पर होगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो इसके वजह से ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक कॉपीराइट का मामला था और वो भी हट गया और इस गाने का आप आनंद लीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।